Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 8. And today we continue chapter 5, combustion and flame. And today we will discuss part 2. This is your science book, science of class 8. And open chapter number 5. This is the chapter number 5, combustion and flame. जो हमने combustion के बारे में आपको बताया था, types of combustion, rapid combustion and slow combustion. Rapid combustion वो होते हैं जो बहुत तेजी से जलते हैं, और slow combustion वो होते हैं जो धीरे धीरे जलते हैं. इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे flame के बारे में. A flame is a region where combustion of fuel takes place. Flame एक वो part होता है बच्चों, जहाँ पे fuel जब जलता है. The color of the flame depends on the supply of oxygen. जो flame का जो color होता है बच्चों, यानी कि जो law होती है वो उसका भी color होता है, और color उसका depend करता है कि उसे जलने के लिए कितनी oxygen मिल रही है. एंड टेम्परेचर एंड सब्सटेंस बर्निंग, और उसे कितना टेम्परेचर मिल रहा है जलने के लिए और क्या चीज़ जल रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लेम का कलर. मान लीजिए हमने कोई एक पेपर जलाया, तो जब आप पेपर को जलाओगे तो जो फ्लेम है उसका कलर अलग होगा, और आप अगर लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी जलाओगे तो उसका जो फ्लेम होगा उसका कलर अलग होगा, क्योंकि पेपर मटेरियल अलग है और लकड़ी का मटेरियल अलग है, और दोनों को जलने के लिए ऑक्सीजन अलग अलग क्वांटिटी में मिल रही है. तो इन सब के कारण जो फ्लेम है उसका कलर उनके ऊपर डिपेंड होता है. जनरली कलर ऑफ फ्लेम इज, नॉर्मली फ्लेम का जो कलर होता है बच्चों वो येलो होता है और ब्लू या फिर ब्लू होता है. फ्लेम इज ऑफ टू टाइप्स, फ्लेम भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है ल्यूमिनियस फ्लेम और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम. ल्यूमिनियस फ्लेम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ल्यूमिनियस फ्लेम इज फ्लेम अकम्पेनेड विद हीट एंड लाइट. ल्यूमिनियस फ्लेम हम उसे कहते हैं बच्चों जिसे हमें हीट और लाइट दोनों मिलती हैं. येलो फ्लेम इज अ ल्यूमिनियस फ्लेम एंड इज ऑब्जर्व व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. और जो येलो फ्लेम होती है वो ल्यूमिनियस फ्लेम होती है जिसमें हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो इनसफिशिएंट, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है. तो इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ अ ब्लू फ्लेम, यानी उसका टेम्परेचर येलो क्यों है, क्योंकि ब्लू फ्लेम तक पहुंचने के लिए उसे और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी उसे ऑक्सीजन कम मिल रही है तो उसकी फ्लेम येलो है. एंड इट लीव्स ब्लैक सूट एंड अदर रेसिडू. और जो फ्लेम है उसमें से ब्लैक कलर का जिसे कार्बन होता है वो निकलता है. सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ये ल्यूमिनस है, इसमें हमें लाइट और ये दोनों मिल रही है, ये है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज अ फ्लेम अ कंपेनेंट विद हीट एंड अ वेरी लिटिल लाइट. उसमें से हीट होती है लेकिन लाइट बहुत ही कम मिलती है, ना के बराबर, यानी रोशनी नहीं होती. अ ब्लू फ्लेम इज अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, तो जो ब्लू फ्लेम होती है वो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम होती है. एंड अकर्स बिकॉज ऑफ कंप्लीट कम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो पूरी तरह से जल रही है, उसे ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रही है. सो दिस टाइप ऑफ फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेसिडू, और जब इस तरह से कोई चीज़ जलती है तो पीछे वो कुछ भी नहीं बचता, वो कम्प्लीट जल चुका होता है.
नेक्स्ट है जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। बच्चों कैंडल को जलते हुए आपने देखा है, देखो ये कैंडल है, इसकी फ्लेम है ये ऊपर की, तो कैंडल ये जो फ्लेम है इसके भी पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। तो जो सबसे आउटर का पार्ट होता है ये ब्लू पार्ट होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ये ब्लू कलर का होता है। उसके बाद बीच में होता है ये मिडल होता है, इसे कहते हैं मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यानी ये येलो कलर का होता है। जो आउटर पार्ट है बच्चों वो ब्लू होता है, फिर मिडल पार्ट वो येलो होता है, और सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे कहते हैं इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स, क्योंकि ये पूरी तरह से जला हुआ नहीं है, कि वो जल रहा है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये हमारे कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन्स हैं। तो कितने जोन होते हैं बच्चों फ्लेम के? 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। अब इनके कलर भी अलग अलग होते हैं, आउटर जोन का कलर ब्लू, मिडल जोन का कलर येलो, और जो इनर मोस्ट जोन है उसका कलर ब्लैक। तो ये आपको याद रखना है, ये द इनर मोस्ट जोन, जोन ऑफ नो कंबशन, यानी कि पूरी तरह से जला हुआ नहीं, द मिडल जोन, जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से जला नहीं है, द आउटर मोस्ट जोन इज कम्प्लीट कंबशन, ये पूरी तरह से बाहर का पार्ट जल चुका है। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इनर मोस्ट जोन, यानी जो सबसे अंदर का है, देखो ये सबसे अंदर का है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। द इनर मोस्ट जोन अपीयर्स ब्लैक, देखो अंदर का जोन ब्लैक कलर का होता है, मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज नो कंबशन टेक्स प्लेस, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब जल रहा है लेकिन पूरी तरह से जला हुआ नहीं है। देयर इज नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अंदर तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स, और उसमें अभी बिना जला हुआ वैक्स वहाँ पर प्रेजेंट है। एंड इट इज कूलेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम, और जो इनर मोस्ट जोन होता है वो फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट होता है। मिडल जोन नेक्स्ट इज द मिडल जोन, इन दिस पार्ट वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, मिडल जोन में बच्चों जो वैक्स है वो जलना शुरू होता है, एंड दे इमिट अ येलोइश फ्लेम, और उसमें से येलो कलर का फ्लेम निकलता है ड्यू टू द ग्लोइंग ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो जल रहे होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस पार्ट येलो फ्लेम में, बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है मतलब बनती है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती। एंड सूट इज प्रोड्यूस ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, और जब कार्बन पूरी तरह से नहीं जल पाता वहाँ पे जो सूट है यानी जो बचा हुआ रेसिडी है वो मिलने लगता है। द फ्लेम इज लुमिनस बट नॉट वेरी हॉट, इसका जो फ्लेम है वो मतलब रोशनी तो होती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि जो मिडल जोन है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसके बाद है द आउटर मोस्ट जोन, यानी जो ये बाहर सबसे बाहर का होता है, दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के 3 पार्ट्स होते हैं तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। एंड इन दिस जोन द वैक्स वेपर हैव इनफ ऑक्सीजन टू बर्न कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस पार्ट को जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पूरी तरह से ये जल जाता है वैक्स, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। द कलर ऑफ दिस फ्लेम अपीयर्स ब्लू,
और ये पूरी तरह से जलता है बाहर की तरफ, तो इसका कलर ब्लू होता है। एंड इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर, और ये सबसे हॉटेस्ट है इसलिए इसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ अ वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल किस तरह से चलती है? कैंडल इज अ गुड सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पहले के समय में लोग जब लाइट नहीं होती थी तो कैंडल जलाकर ही रोशनी करते थे और उसकी रोशनी में ही काम किया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैनी सेलिब्रेशंस। अब कैंडल आज के समय में अब कैंडल का यूज़ क्या रह गया है कि जब हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन में ही हम कैंडल का यूज़ करते हैं या अपने फेस्टिवल में। अब जैसे कैंडल का फेस्टिवल तो एक ही होता है दीपावली, दीपावली पर हम कैंडल यूज़ करते हैं, या अपने बर्थडे होता है, कोई पार्टी होती है, एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी है, तो हम कैंडल का यूज़ करते हैं। कैंडल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ पैराफिन वैक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। वो जो कैंडल है वो पैराफिन वैक्स होता है, उससे बनाई जाती है। और ये पैराफिन वैक्स ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें बच्चों पेट्रोलियम से मिलता है। इफ वी सी अ लाइटेड कैंडल वेरी क्लोजली, जब बच्चों हम जलती हुई कैंडल को बहुत नज़दीक से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ये द विक बर्न्स एंड इट स्टैंड्स इन अ पूल ऑफ लिक्विड वैक्स, कि उसके नीचे देखो ये बिल्कुल स्टेट होगी और यहाँ पे मेल्ट पिघला हुआ हमें दिखाई देगा। देयर इज ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न विक बिटवीन द फ्लेम एंड द लिक्विड वैक्स। देखो ये फ्लेम है, फ्लेम और नीचे लिक्विड है, वैक्स जो पिघला हुआ है उसके बीच में जो पीछे धागा होता है कैंडल का वो हमें जलता हुआ यानी अनबर्न, क्योंकि वो पूरा जला हुआ नहीं है, वो अनबर्न यानी बिना जला हुआ हमें दिखाई देता है। लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन अ कप ऑफ सॉलिड वैक्स। अब जो लिक्विड वैक्स है जो यानी कि पिघल चुका है वो भी हमारा जो सॉलिड वैक्स है वहाँ पे पिघलने के बाद एक गड्ढा सा बन जाता है, उसी में वो स्टोर हो जाता है। द लिक्विड और सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर। तो जो ये पिघला हुआ वैक्स है या नीचे का जो सॉलिड है वैक्स, अगर हम इसे जलाएंगे तो ये नहीं जलेगा। ये जो जलता है ये धागा जलता है बच्चों, और धागे में जो वैक्स है मतलब वो उसमें मिक्स हो जाता है, इसलिए वो धागा उस वैक्स के साथ जलता है, प्रॉपर वैक्स नहीं जलता। वी कैन सी दैट द वेक इज बर्निंग बट इट कैन नॉट बी द ओनली सब्सटेंस, क्योंकि इसमें जो धागा होता है वो हमें जलता हुआ दिखाई देता है लेकिन जो जल रहा है वो उसका सब्सटेंस नहीं है। बिकॉज द कैंडल बिकम्स स्मॉलर विद टाइम एज इट बर्न्स, क्योंकि जब धागा जलता है धागे के साथ बच्चों वैक्स जलता है, क्योंकि आप देखा होगा आपने कि कैंडल धीरे 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 छोटी होती जाती है और लास्ट में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और जिसका वैक्स है वो थोड़ा सा ही नीचे आपको दिखाई देता है पिघला हुआ। बाकी वैक्स कहाँ गया? बाकी वैक्स उस धागे के साथ जल गया। तो इसलिए जो कैंडल का वैक्स है वैक्स वेपर दैट बर्न, जो वैक्स का वेपर होता है वो जलता है। इफ अ लिट मैच इज ब्रॉट अ लिटिल अबव अ कैंडल वेक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल हैज बीन ब्लोन आउट। आपने कहा कि जब हम कैंडल का ऊपर कोई धागा उसे हम जलाते हैं तो तुरंत वो जलना शुरू हो जाता है। इट इज़ नोटिस दैट द फ्लेम फ्रॉम अ मैच जंप द गैप एंड री इग्निट द विक।
दिस हैपेंस बिकॉज द कैंडल वैक्स वेपर राइजेस फ्रॉम द विक आफ्टर इट इज ब्लोन आउट एंड द बर्निंग मैच रीइग्नाइट्स देम। जब हम कैंडल मैच स्टिक से इसको धागा हम जलाते हैं तो वो तुरंत जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस पर जो वैक्स है वो जलकर तुरंत पेपर बनता है और वो जलना शुरू हो जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी तरह से, इट इज ओनली द वैक्स पेपर दैट बर्न। तो वैक्स, सॉलिड वैक्स नहीं जलता है, वैक्स का वैक्स गर्म होकर वेपर बनता है फिर वो वेपर जलता है। नाइदर लिक्विड वैक्स नॉट सॉलिड वैक्स बर्न, ना तो वो लिक्विड वैक्स जलता है और ना ही सॉलिड वैक्स। तो क्या जलता है बच्चों? उस वैक्स का जो वेपर होता है वो जलता है। व्हेन अ कैंडल विक इज लिट, जब हम कैंडल के धागे को जलाते हैं, द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लेम, तो मैच स्टिक में से हीट निकलती है एंड मेल्ट द वैक्स, और वो हीट जो है वैक्स को मेल्ट करती है। द विक सोक और एब्जॉर्ब द मोल्टन वैक्स, तो वो जो धागा है वो वैक्स, जो पिघला हुआ वैक्स है उसको एब्जॉर्ब करता है। द हीट ऑफ द फ्लेम वेपोराइज द मोल्टन वैक्स इन द विक, फिर जो धागा जल रहा है वो वैक्स को गर्म करता है, फिर उसकी वेपर, वैक्स वेपर में चेंज होता है और वो कंटिन्यू फिर धागा जलता रहता है क्योंकि उसे वैक्स वेपर मिलता रहता है। द गैसियस वैक्स बर्न इन द फ्लेम विच कीप्स द फ्लेम अलाइव, दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल एंटायर वैक्स गेट्स बर्न, और ये तब तक मैं जलती रहेगी कैंडल जब तक ये वैक्स का वेपर उसे मिलता रहेगा। तो आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, एक्सटिंग्विशिंग फायर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।